हेलो फ्रेंड, इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस विथ मोमेंटम इक्वेशन, दैट इज लास्ट बिट ऑफ आवर चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, सो ये जो आज हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, फ्लूइड डायनामिक्स जो हम पढ़ रहे हैं। सो उसमें से जो पहला कंसेप्ट हम पढ़ने वाले मोमेंटम इक्वेशन। सो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। ये बात याद रखिए, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन राइट फोर्स इक्वल्स टू एम आई। ओके, ये हमें क्या बताता है? ये जो मास रहता है मीन्स द द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड मास इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन। मतलब ये जो फोर्स निकालते हैं हम, ये क्या रहता है? अब इसे जिस डायरेक्शन में कंसिडर करना चाहो, इट इज़ नथिंग बट एम इंटू एक्सलरेशन इन दैट डायरेक्शन। सपोज यू वॉन्ट टू फाइंड आउट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, देन दिस इक्वेशन शुड बी एम इंटू एक्स। मतलब जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स निकालना है, उस डायरेक्शन में आप उसका एक्सलरेशन लेंगे। ओके, और ये फोर्स कितना रहता है? इट इज़ इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलरेशन। तो फोर्स एक्सर्टेड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन कैन बी गिवन और इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन इन दैट डायरेक्शन। अगर आपको वाई डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, तो ये होगा एफ वाई इक्वल्स टू एम इंटू ए वाई। ओके, मतलब जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स निकालना है किसी बॉडी के ऊपर का, तो उसका मास इंटू एक्सलरेशन इन दैट डायरेक्शन। सपोज एक डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, तो एक्सलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में निकालना है तो एक्सलरेशन भी आपको वाई डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ व्हाट वी कैन राइट फोर्स इक्वल्स टू एम है। मतलब किसी बॉडी पर कितना फोर्स एक्ट होगा, ये कैसे पता चलेगा? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी इंटू एक्सलरेशन ऑफ दैट बॉडी इन दैट डायरेक्शन। क्लियर? अब हम एक्सेलरेशन को देखेंगे। व्हाट वी कैन राइट और व्हाट एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? डी वी इंटू डी टी। क्लियर? तो अगर इस एफ इक्वल्स टू एम ए में हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एम डी वी इंटू डी टी। ओके, अब यम तो कांस्टेंट है, उसको हम अंदर भी ले सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एम इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। बट व्हाट इज एम वी? व्हाट इज मास इंटू वेलोसिटी? इट इज मोमेंटम, मीन्स फोर्स एक्सर्टेड इज इक्वल्स टू सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन से दैट चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट मोमेंटम इक्वेशन। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूँ। वी गॉट फ्रॉम सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए। फोर्स क्या है? फोर्स जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स चाहिए, उस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन कंसिडर करो। ओके, तो एक्सेलरेशन को हमने लिख दिया डी वी इंटू डी टी, क्योंकि डेफिनेशन एक्सेलरेशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू डी वी डी टी। एम कॉन्स्टेंट है, उसको हम अंदर भी ले सकते हैं। तो इट बिकेम डी ऑफ एम वी अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो फोर्स कितना मिलेगा आपको? अगर आपके पास मोमेंटम है, तो अगर आपको फोर्स निकालना है, तो सिंपली कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? सो फोर्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम इन दैट स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्लियर? अब इसको अगर आपने सिंप्लीफाई किया, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ डी टी इक्वल्स टू डी एम वी। इट इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। क्लियर? तो ये आपको ये याद रखना है, मोमेंटम इक्वेशन जो न्यूटन सेकंड लॉ से आपने डिराइव किया,
वहाँ से आपने क्या कंक्लूड किया, ये फोर्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नथिंग इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन, क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड मोमेंटम इक्वेशन। उसके आगे हमारा बीट है फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अ पाइप बेंड। ओके, पाइप बेंड में कितना फोर्स एग्जर्ट होता है ये हमें निकालना है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आता है और बहुत ही सिंपल है। देखो हमारे पास एक पाइप बेंड है, यहाँ पर दिया है पाइप बेंड। यहाँ पर हमने दो सेक्शन कंसीडर किए, सेक्शन वन सेक्शन टू। सपोज सेक्शन वन पे P1 प्रेशर एक्ट हो रहा है और सेक्शन टू पे P2 पे प्रेशर एक्ट हो रहा है। अगर इस सेक्शन वन का एरिया हमने A1 कंसिडर किया तो कितना प्रेशर फोर्स एक्ट होगा सेक्शन वन पे, P1 इंटू A1। सिमिलरली इसका एरिया अगर A2 लिया तो कितना प्रेशर फोर्स एक्ट होगा, P2 इंटू A2। P2 क्या है, P2 प्रेशर है और P2 इंटू A2 क्या है, प्रेशर फोर्स है, ये बात ध्यान में रखो। ओके, सिमिलरली वेलोसिटी एट सेक्शन वन V1 है। ओके, और वेलोसिटी एट सेक्शन टू इस डायरेक्शन में बाहर जाएगा वो V2, क्लियर? और ये जो बेंड है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सपोज हमने थीटा कंसिडर किया। समझ में आ गया? जो जो यहाँ पर लिखा है मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ड्रॉ किया। तो ये ऊपर की डायरेक्शन हम वाई कंसिडर करेंगे और ये डायरेक्शन हम एक्स कंसिडर करेंगे। मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होगा एफ वाई, इस डायरेक्शन में जो अप्लाई होगा एफ एक्स। क्लियर, समझ में आ गया? फिर से एक बार मैं आपको बोलता हूँ, इस डायरेक्शन पे ये हमने पाइप कंसिडर किया है, जिस पाइप का इंक्लिनेशन थीटा है, हमने दो सेक्शन कंसिडर किए। क्लियर, सेक्शन वन पे कितना प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है, P1A1। प्रेशर फोर्स मतलब प्रेशर क्या रहता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर फोर्स कितना आएगा, एफ इक्वल्स टू पी इंटू ए। ओके, तो पहले सेक्शन पे P1A1, दूसरे सेक्शन पे P2A2। सिमिलरली वेलोसिटी एट सेक्शन वन इज V1 एंड वेलोसिटी एट सेक्शन टू इज V2। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? अब हमें निकालना है कितना फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट हुआ। अब चूंकि एक फोर्स यहाँ पर देखिए, एक हॉरिजेंटल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और एक इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड के दो कंपोनेंट रहेंगे, एक वर्टिकल वाला एक हॉरिजेंटल वाला। क्लियर, हमें क्या मालूम है, अगर हमें फोर्स निकालना है तो एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट एफ देन वी मस्ट नो दिस ए एक्सलरेशन। तो अगर हमें यम निकालना है तो हमें एक्स डायरेक्शन में यम निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास इंटू एक्सलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर, और दूसरा तरीका है जो मोमेंटम इक्वेशन का है, फोर्स इक्वल्स टू DmV/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, समझ में आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम। अगर हमें एफ एक्स निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, तो फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। अब मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो हमें मास तो कांस्टेंट रहता है, हमें सिर्फ वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी। फाइनल मोमेंटम के लिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर, तो हम अब पहले ढूंढेंगे फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो इसको हम फाइनल मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं, एम इंटू वी टू इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी, माइनस एम इंटू वी वन इन एक्स डायरेक्शन, सिंपली। क्लियर, तो अब हमें फोर्स निकालना है एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पर देखिए मैं ये पोर्शन लार्ज करके बता रहा हूँ, ये अपनी वी टू है, वेलोसिटी एट सेक्शन टू, ये इंक्लाइंड है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, हमें एक्स डायरेक्शन में चाहिए। तो इस वी टू का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, वी टू कॉस थीटा, ये वाला पोर्शन। ओके, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, वी टू
साइन थीटा। समझ में आ गया? हमें एक्स एक्स कंपोनेंट क्यों चाहिए, कमी फोर्स हमें एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है और वी टू इंक्लाइन है, तो हम उसका एक एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट लेंगे वी टू कॉस थीटा। क्लियर? ओके, तो अब देखो ये लाइन पढ़ो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूड इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया। तो एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहे हैं, ये वाला, ओके, मतलब पी वन ए वन। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अभी मैं बड़ा करके निकालता हूँ, ये सेक्शन टू है अपना और ये पी टू है, पी टू ए टू फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके। ये कितना है एंगल थीटा। अब देखिए इसके भी दो कंपोनेंट है, ये इंक्लाइंड है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आएगा एक्स डायरेक्शन में और वर्टिकल कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। क्लियर? ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा इस पी टू ए टू का, पी टू ए टू कॉस थीटा। क्लियर? समझ में आ गया? ये हमारा फोर्स है पी टू ए टू, इसका ये कंपोनेंट आएगा पी टू ए टू कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, पी टू ए टू साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। बराबर? अब क्लियर हो गया? ओके, अब हम देखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड, ये फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, ओके, वो कितना है पी वन ए वन। अब ये जो पी टू का जो एक्स कंपोनेंट में वो अपोजिट डायरेक्शन में इसके, तो माइनस पी टू ए टू और वो कितना है कॉस थीटा, पी टू ए टू कॉस थीटा, ओके। सिमिलरली अभी ये माइनस एफ एक्स क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एफ एक्स इज फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड ऑन बेंड। व्हाट इज एफ एक्स, ये बात ये चीज़ ध्यान से सुनो, व्हाट इज एफ एक्स, फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड ऑन बेंड, ओके। एफ एक्स इज फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड ऑन ऑन बेंड इन एक्स डायरेक्शन, और एफ आ क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड ऑन बेंड इन वाई डायरेक्शन, ओके। अब ये माइनस क्यों लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज एफ एक्स, फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड ऑन बेंड। तो जितना फोर्स फ्लूइड बेंड के ऊपर एग्जर्ट करेगा उतना ही फोर्स बेंड भी फ्लूइड के ऊपर एग्जर्ट करेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। समझ में आ गया? तो व्हाट इज एफ एक्स, फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड ऑन बेंड। ये माइनस क्यों लिया, ये माइनस लिया क्योंकि बेंड भी फ्लूइड के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है और हम निकाल रहे हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड। बराबर है ना? तो बेंड फ्लूइड के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा इट इज माइनस एफ एक्स, और प्लस एफ एक्स क्या रहेगा, जो फ्लूइड बेंड के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये चीज़ें ध्यान से सुनो। सिंपली व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड ऑन बेंड, उतना ही फोर्स बेंड फ्लूइड के ऊपर लगाता है क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। तो ये माइनस क्यों लिया, हमें चाहिए फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड बाय बेंड ऑन फ्लूइड, क्योंकि हम फ्लूइड के ऊपर के फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए वो माइनस एफ एक्स है, क्योंकि फोर्स का फ्लूइड तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो बेंड इस डायरेक्शन में लगा, इसलिए वो माइनस एफ एक्स। ओके, तो ये जो चीज़ें हमने निकाली, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड इन डायरेक्शन एक्स, वो कितना रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, मतलब फाइनल मोमेंटम, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, फाइनल मोमेंटम बोले तो यम वी टू माइनस यम वी वन, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यम वी टू माइनस वी वन, मतलब यम इंटू फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। समझ में आ गया? तो देखिए मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, वो भी एक्स डायरेक्शन में, ओके। तो मास पर सेकंड है यहाँ पर, मास पर सेकंड को हम लिख सकते हैं रो क्यू। क्लियर? क्यू मतलब डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या रहता है, डिस्चार्ज इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इससे आप दोनों को एक दूसरे से ये कर सकते हैं, या इन शॉर्ट ओके ये रो क्यू कैसे आ गया, देखिए मास मास को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी, मतलब मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट को हम क्यू लिखते हैं डिस्चार्ज, तो मास इक्वल्स टू रो क्यू।
तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कौन सी है, ये वाली वी टू कॉस थीटा, देखो वी टू कॉस थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो यही है सेक्शन वन की वी वन माइनस वी वन, तो ये हमें क्या मिला, इसको इधर का इधर भी माइनस है, माइनस इसमें कॉमन लिया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा एफ एक्स इक्वल्स टू रो क्यू वी वन माइनस वी टू कॉस थीटा, और ये जो इन शॉर्ट आप क्या निकाल रहे हैं, हमें निकालना है दिस एफ एक्स, तो एफ एक्स छोड़ के बाकी सब, या एफ एक्स को इधर भेजो, एफ एक्स को इधर भेजो, इसको उधर भेजो, तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला पी वन वी ए वन माइनस पी टू ए टू कॉस थीटा माइनस, ये जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रो क्यू, उसमें से कॉम माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा वी वन माइनस वी टू कॉस थीटा। ओके, अब ये एफ एक्स क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड ऑन बेंड बोलो या बेंड बाय फ्लूइड बोलो, उसकी मैग्नीट्यूड तो उतना रहेगा, क्लियर। अगर प्लस लेते हो तो फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड ऑन बेंड, माइनस लेते हो तो फोर्स एग्जर्टेड बाय बेंड ऑन फ्लूइड, समझ में आ गया। सो दिस इज फोर्स एग्जर्टेड इन एक्स डायरेक्शन, सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन में निकालेंगे, वाई डायरेक्शन में इस डायग्राम पे देखो, वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं यहाँ पर, और फोर्स भी नहीं है क्योंकि जो प्रेशर फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, वाई डायरेक्शन में कुछ क्या है यहाँ पर, जीरो, वेलोसिटी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये देखो पी टू ए टू, यहाँ पर आपको पी टू ए टू साइन थीटा फोर्स भी है, और इस वी टू का वर्टिकल कंपोनेंट भी है वी टू साइन थीटा। ओके, तो सेक्शन वन पे वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं है इसलिए जीरो, माइनस पी टू ए टू साइन थीटा ये वाला, माइनस एफ वाई, सिमिलरली एफ वाई क्या है, एफ वाई इज फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड ऑन बेंड इन वाई डायरेक्शन, तो माइनस एफ वाई क्या आएगा, फोर्स एग्जर्टेड बाय बेंड ऑन फ्लूइड इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू रो क्यू फाइनल वेलोसिटी वी टू साइन थीटा, ये फाइनल वेलोसिटी वी टू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो जीरो, इसको आप रीअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा एफ वाई रो क्यू माइनस वी टू साइन थीटा, क्योंकि एफ वाई का माइनस इधर गया, इंटू पी टू ए टू साइन थीटा। ओके, अब आपको एफ एक्स भी मिला और एफ वाई भी मिला, आपको मिला एफ एक्स और एफ वाई, फोर्स एग्जर्टेड, फोर्स ऑन फ्लूइड इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स ऑन फ्लूइड इन वाई डायरेक्शन, तो इसका रिजल्ट निकलना पड़ेगा आपको एफ, तो वो क्या आएगा, सिंपली एफ एफ इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट, ये आपको सबको मालूम है, एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर, और उसका थीटा भी निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ये मैकेनिक्स में पढ़ा है आपने, टेन थीटा इक्वल्स टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स, समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। इसके ऊपर एक न्यूमरिकल भी आता है, तो मैं एक न्यूमरिकल भी लेता हूँ, मैं न्यूमरिकल पढ़ता हूँ पहले। अब 45 रेड्यूसिंग बेंड इज कनेक्टेड इन पाइपलाइन, द डायमीटर्स एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द बेंड बींग 600 mm एंड 300 mm रिस्पेक्टिवली, फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय वाटर ऑन द बेंड इफ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट इनलेट टू बेंड इज 8.829 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 600 लीटर पर सेकंड। सिंपल न्यूमेरिकल है, एक पाइप का बेंड दिया है ये वाला, उसका जो थीटा है वो 45 है, और इंटेंसिटी दी है पी वन एट इनलेट की 8.8 न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो पहले हम उसका एरिया निकालेंगे, इनलेट का एरिया, इनलेट का डायमीटर 600 mm था तो उसका एरिया हमने निकाल दिया 0.2827 m². सिमिलरली सेक्शन टू का डायमीटर 300 mm था तो उसका एरिया भी निकाल लिया हमने पाई बाय 4d² 0.07068 m². अब इनलेट पे प्रेशर कितना है, देखो इनलेट पे प्रेशर दिया 8.829 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हमने 10^4 से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, और डिस्चार्ज दिया है 600 लीटर पर सेकंड, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 0.6 m³/s। अब देखो पी टू का प्रेशर हमें दिया नहीं है, ओके, लेकिन अगर हम बर्नौलीज का इक्वेशन उसको अप्लाई करेंगे तो हम उसका प्रेशर इंटेंसिटी प्रेशर निकाल सकते हैं, क्लियर। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, बर्नौलीज इक्वेशन आपको मालूम है क्या है, पी वन अपॉन रो जी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन
इक्वल्स टू पी टू अपॉन रो जी प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू। क्लियर? तो अब इसमें आपको वी वन वी टू लगेगा, इसीलिए वो डिस्चार्ज दिया है। मतलब वी वन इक्वल्स टू क्यू वन, डिस्चार्ज मतलब क्या है, ए वन वी वन और ए टू वी टू। ओके, तो बाय यूजिंग दिस यू वी कैन कैलकुलेट वी वन, वी वन क्यू अपॉन ए वन 0.6, ए वन की वैल्यू पुट कर दी, हमें वेलोसिटी मिली 2.122 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली वी टू क्यू अपॉन ए टू 0.6 डिवाइडेड बाय 07068, वो हो गया 8.488। क्लियर? अब ये जो पाइप का जो ये दिख रहा है, ये टॉप व्यू का है, एक्चुअल में वो पाइप हॉरिजॉन्टल है, तो जेड वन और जेड टू हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? जेड वन जेड टू नेग्लेक्ट किया, हमारे पास रेड्यूस्ड इक्वेशन इतना रहा। अब इसमें हम पी वन की वैल्यू पुट कर दी, रो जी की वैल्यू पुट कर दी, वी वन की वैल्यू पुट कर दी, वी टू की वैल्यू पुट कर दी, अब रहा पी टू अपन रो जी। तो हमें वो अल्टीमेटली पी टू अपन रो जी मिलेगा 5.55। रो जी को उधर भेज दिया तो पी टू की वैल्यू मिलेगी हमें 5.45 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया पी टू। अब हम अपना, ये तो बर्नौलिस का पार्ट हो गया, अब हम अपना बेंड का इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमारा हमें फोर्स इन एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन क्या मिला था, रो क्यू वी वन माइनस वी टू कॉस थीटा प्लस पी वन ए वन माइनस पी टू वी टू कॉस थीटा। ये आपको ये अगर आपने समझ लिया है तो आप 2 मिनट में वो डायग्राम निकाल के इसको ये कर सकते हैं। इसको आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो कंसेप्ट समझ लीजिए जो मैंने ऊपर बताइए, आप इसको कैसे 1 मिनट में आप निकालेंगे उसको। तो ये आएगा आपका, इसमें आप अपनी वैल्यू पुट करो, रो की वैल्यू 1000, सॉरी रो की वैल्यू 1000, क्यू की वैल्यू 0.6, वी वन आपने ऊपर निकाला है, वी टू भी निकाला है, थीटा 45 है, पी वन की वैल्यू दी हुई है, उससे ए वन को मल्टीप्लाई किया, पी टू की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, वो भी पुट कर दी, एरिया भी पुट कर दिया, तो हमें मिला एफ एक्स 19911.4 न्यूटन। सिमिलरली जो एफ वाई का इक्वेशन मिला था जिसमें सिर्फ वी टू था, उसमें वी वन का कुछ भी नहीं है, वो पुट कर दिया तो हमें एफ वन की वैल्यू मिली -6322। ये एफ वाई माइनस मिला मतलब वो नीचे की डायरेक्शन में, मतलब हमने ऐसा पकड़ा था ना एफ एक्स और एफ वाई, तो ये निगेटिव मिला, इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसके बना दो, एफ एक्स और एफ वाई, एफ वाई निगेटिव मिला मतलब क्या हो गया, एफ एक्स तो ऐसा ही है पॉजिटिव आया, तो एफ वाई नीचे की डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पर आएगा, और ये थीटा हमें निकालना पड़ेगा। एफ वाई निगेटिव है मतलब नीचे की साइड में, वाई पॉजिटिव है मतलब ऊपर की साइड में, ये चीज़ें आप ध्यान रखो। तो इससे हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, जो आपको आसानी से वैल्यू मिल जाएगी वो आएगा 20890। क्लियर? और थीटा थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 30°.36', मतलब एफ एक्स ऐसा है, एफ वाई नेगेटिव है तो ऐसा है, और ये थीटा की वैल्यू है वही है। तो ये हो गया हमारा लास्ट बिट, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। तो इसमें मैं आप हमने क्या पढ़ा वो जस्ट आपको एक ओवरलुक कराता हूँ। हमने इस चैप्टर में पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा यूलर्स इक्वेशन, इधर लिखता हूँ, सबसे पहले हमने यूलर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ा। यूलर्स इक्वेशन के बाद हमने यूलर इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो हमें बर्नौलिस इक्वेशन मिला, इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल आते हैं। बर्नौलिस इक्वेशन के तीन एप्लीकेशन है, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर और पिटोट ट्यूब। तो ये तीनों भी हमने यूलर्स बर्नौली उसके एप्लीकेशन वेंचुरी ओरिफिस और पिटोट ट्यूब, तो इन तीनों के भी आपने, ये तीनों भी डिस्चार्ज यूज़ करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, इन तीनों के ऊपर भी आपको एक न्यूमेरिकल आएगा, मतलब बर्नौली के ऊपर एक न्यूमेरिकल, ये तीनों में, ये तीनों तो सेम एक जैसे, उसका एक न्यूमेरिकल, और अभी अभी हमने जो मोमेंटम इक्वेशन पढ़ा उसका एक न्यूमेरिकल, मतलब ये तीन टाइप के न्यूमेरिकल से में से
एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली 7, 8 या 9 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस इन पांचों बीट में से एक थ्योरी क्वेश्चन रहेगा। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसको आप स्किप मत कीजिए। एक थ्योरी क्वेश्चन प्लस एक न्यूमेरिकल आप डेफिनेटली चैप्टर से एग्जाम में मिलेगा। तो इसकी एक अच्छी प्रिपरेशन करो, बहुत ईजी चैप्टर है। इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट चैप्टर हम अगले इसमें चालू करेंगे। थैंक यू।